शासन के द्वारा 59 घंटे के लगाए गए लॉकडाउन का शनिवार को पुलिस प्रशासन ने कड़ाई से पालन कराया, जिसके संबंध में सीओ कैंट अजय कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कैंट सर्कल में 19 चौराहों को चिन्हित किया गया है तथा उन चौराहों पर बैरिकेटिंग करके आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगाए गए बैरियर पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा मेडिकल स्टाफ, सरकारी कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी को आने जाने दिया जा रहा है तथा अन्य जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट अजय कुमार सिंह ने कहा, बाहर कैसे हालात है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अरे तू फालतू में डर रहा है। करें और बार बार हाथ धोते रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ये बचाव हेतु अपना वैक्सीन लो। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सभी करीब नगर निगम द्वारा 41 बैरियर बनाए गए हैं और सभी थाना क्षेत्रों में हमारे यहाँ कैंट क्षेत्र में 11 चौराहे चिन्हित किए गए हैं। ऐसे ही थोराबार क्षेत्र में 3 चौराहे, रामगढ़ ताल में 5 चौराहे चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर सभी चौकी इंचार्जों और PRBs की ड्यूटी लगाई गई है। बैरियर लगा दिए गए हैं, चौराहा पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। जो छूट वाले हैं, आवश्यक सेवाओं से संबंधित, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से संबंधित और मेडिकल स्टाफ, प्रेस, मीडिया, छूट से जो भी हैं उनको जाने दिया जा रहा है। अन्य लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये सभी लगातार टीमें हमारी चल रही हैं, ये नाइट कर्फ्यू का भी पालन करा रहे हैं और अब तो टोटल लॉकडाउन है, उनका भी पालन कराया जा रहा है। हाँ, मेरी तो ये अपील है कि सभी लोग जो है घरों में रहें और जब भी बाहर निकलें आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमेशा हाथ धुलते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें।